नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारीexam.com में, जहां मिलती है अपडेट सबसे पहले पाना और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट या किसी एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की जानकारी। एक नाम याद कर लीजिए, सरकारीexam.com। दोस्तों यहां मिलती है अपडेट सबसे पहले, इसलिए गूगल पे हमेशा ओपन करें सरकारीexam.com। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे NTPC को लेकर। रेलवे द्वारा एक और जोन का जो है DB शेड्यूल जारी कर दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने लगभग तमाम जो जोन के हैं DB ले लिए हैं और मेडिकल की तैयारी में है। बहुत सारे ऐसे जोन है जहाँ पर सिलेक्शन जो लेटर है वो भी भेजे जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में एक जोन ऐसा है जहाँ पर कल के डेट में नोटिस आई है कि जिन बच्चों का जो DB छूट गया था या ऐसे जो बच्चे हैं जो DB के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों का जो है रोल नंबर जारी किया गया, शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जारी की गई है सेकेंड DB लिस्ट के लिए। तो किस जोन का जो है जारी किया गया है और कौन से बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं और कब से आपका DB एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई तमाम अपडेट को पाते रहने के लिए। दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि RRB से ऑफिशियल नोटिस जारी कर गई है, DB लिस्ट जारी, सेकेंड DB आ गया है। तो अब कहाँ का सेकेंड DB लिस्ट आया, तो हम आपको बता दें सिकंदराबाद जो जोन का है वहाँ का सेकेंड DB लिस्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे बच्चों के लिए जो कट ऑफ में सेलेक्ट नहीं हुए थे, जो तो एग्जाम तो दिया था लेकिन DB के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनमें से कुछ बच्चों का जो है सेकेंड लिस्ट जारी किया गया। अब ये सेकेंड लिस्ट क्यों जारी किया गया, तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो DB में पहुँच नहीं पाए थे, एबसेंट हो गए थे, तो सीटें जो हैं वो अभी खाली हैं, उनको भरने के लिए जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए तो उनको सेलेक्ट किया गया है, फिर से उनको एक और मौका दे दिया गया है रेलवे NTPC की तरफ से। तो आप उस डायरेक्ट ले चलते हैं नोटिस पे, उसके लिए हमने यहाँ पे रेलवे की जो है सिकंदराबाद की ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे आपको 21 तारीख के डेट में और 20 तारीख के डेट में देखने को मिल रही होगी, फरवरी 20 तारीख और फरवरी 21 तारीख के डेट में। तो हमने यहाँ पे नोटिस ओपन करके आपको सबसे पहले दिखा देना है, तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे 20 तारीख के डेट में आप एक नोटिस देख रहे होंगे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 3, ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पे लेवल 3 का बेस्ड ऑन स्कोर है सेकंड स्टेज CVT के लिए जो है DB लिस्ट जारी कर दिया गया। नीचे आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोल नंबर दिए गए हैं बच्चों के जो सेलेक्ट हुए हैं सेकंड DB लिस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 98 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो चुके हैं सेकंड DB लिस्ट के लिए। वो बच्चे हैं जो कट ऑफ में इनका नाम नहीं आया था DB के लिए, लेकिन उनको एक और मौका दिया गया है। जो बच्चे एबसेंट हो चुके थे और सीट खाली रह गई है, तो उसके देखते हुए रेलवे NTPC सिकंदराबाद ने उन्हें एक और मौका दिया है सेलेक्ट होने का, रेलवे की नौकरी पाने का। इनमें से 5 बच्चों का अलग से रोल नंबर दिया गया, ये वो 5 बच्चे हैं जो पहले DB दे चुके हैं, अब उनको मेडिकल डायरेक्ट देना है, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं उनको इसी 98 बच्चों में से ये 5 बच्चों का रोल नंबर दिया गया है, इनको सेलेक्ट कर लिया गया है मेडिकल के लिए। अब आप अपना एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड करेंगे DB के लिए और DB कब आपको देने जाना है, वो डेट हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल के डेट में भी एक नोटिस जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल के डेट में भी यहाँ पे एक नोटिस आपको देखने को मिल सकती है, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB Part 2, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे PDF ओपन हो चुका। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चों का जो है DB 1 मार्च 2023 को स्टार्ट होगा, वहीं पे कुछ बच्चों का जो है रोल नंबर दिया गया है 2 मार्च 2023 को उनका, और रिपोर्टिंग टाइमिंग भी यहाँ पे दी गई है 9:30 बजे, ठीक है। और वहीं पे कुछ बच्चों का 3 मार्च को है DB का शेड्यूल। अब DB एडमिट कार्ड डाउनलोड कब से होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है नंबर 1 कॉलम में कि यहाँ पे द एबो मेंशन कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर अलॉन्ग विद द ट्रैवल ऑथराइज फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो, ठीक है, विच विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2023 यानी 23 फरवरी 2023 से आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। लिंक नीचे दे दी गई है, लिंक हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लिंक ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका पासवर्ड उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। लिंक डाल दी गई है यहाँ पे, एडमिट कार्ड यहाँ पे हो सकता है कि ओपन भी हो रहा है, आप अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 23 फरवरी से होगा, और लिंक नीचे दे दिए, लिंक आपके PDF में भी अवेलेबल है। तो जिन बच्चों का DB छूट गया था या जो बच्चे DB में सेलेक्ट हुए हैं वो अपना आके रोल नंबर चेक कर सकते हैं और जाके अपना DB देकर अपने रेलवे NTPC का जो नौकरी का सपना है वो साकार कर सकते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो अपना जो DB का रोल नंबर है वो सरकारीexam.com पे आके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दी गई है, या RRB सिकंदराबाद के ऑफिशियल साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिएगा ताकि जो बच्चों ने सिकंदराबाद जोन से
फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिया था और डीपी के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनको एक और मौका दे दिया गया है एनटीपीसी की तरफ से। वो अब उनका रोल नंबर यदि इस पीडीएफ के अंतर्गत आता है तो जाके अपना डीपी दे सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को जो सरकारी एग्जाम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को पाते रहने के लिए। थैंक यू।